5 मैथ मैजिक चैप्टर 5 डज इट लुक द सेम हाफ अ टर्न. हाफ अ टर्न यानी कि एक हाफ टर्न लेना, ठीक है. तो ये कैसा टर्न होता है, जैसे कि ये एरो है, ठीक है, तो ये ऊपर की ओर है, इसका हाफ टर्न लेंगे तो इसका फुल टर्न होता है उसका हाफ. देखो ये फुल टर्न होता है घूम के वापस आना, लेकिन हम कैसा करेंगे हाफ टर्न उसका, कि ये एक हाफ टर्न हुआ, ये सेकंड हाफ टर्न, ये हाफ टर्न, ये हाफ टर्न. तो हाफ टर्न होगा तो ये कैसा दिखेगा, ऐसा हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा. तो ये हो गया हाफ टर्न. तो इस एरो को हाफ टर्न लेने के बाद ऐसा हो जाएगा, फिर से हाफ टर्न लेंगे तो वापस आ जाएगा जो पहले का था वैसा है. तो उसको हाफ टर्न कहते हैं. वंस देयर वॉज अ किंग. तो एक किंग था, ही वॉज अपसेट बिकॉज थीव्स केप्ट स्टीलिंग कॉस्टली ज्वेल्स फ्रॉम हिज लॉकर. तो उसका एक लॉकर था, उसमें से जो कॉस्टली ज्वेलरी थी वो थीव्स चोरी कर जाते थे. हियर इज वॉट द लॉकर लुकड लाइक. तो लॉकर इस तरह का दिखता था. अब लॉकर ओपन कैसे होता था, हाफ टर्न पे ओपन आता, जैसे कि इसको हाफ टर्न लिया, ठीक है, जैसे कि इसको ऐसे हाफ टर्न किया तो ओपन हो गया, अगेन हाफ टर्न ले गए तो क्लोज हो जाएगा. तो इस तरह का ये लॉकर है. द लॉकर कुड बी ओपन बाय गिविंग इट्स हैंडल अ हाफ अ टर्न. जैसे कि कोई की होती है दरवाजे की डोर की, तो उससे क्या होता है कि हम टर्न देते हैं, एक राइट टर्न पे ओपन होती है, लेफ्ट टर्न पे वो क्लोज हो जाता है, इस तरह से. तो सेम वे यहां पे ऐसा ही था. द लॉकर कुड बी ओपन बाय गिविंग इट्स हैंडल अ हाफ टर्न. तो हाफ टर्न देंगे तो लॉकर ओपन हो जाए. अनदर हाफ टर्न एंड द लॉकर वुड बी लॉक्ड अगेन. तो अनदर हाफ टर्न पे लॉकर क्लोज हो जाएगा, ठीक है. द किंग वुड ऑफन लीव द लॉकर ओपन थिंकिंग इट वॉज लॉक्ड. तो ये किंग है वो बहुत बार ओपन रख के चला जाता था, उसको लगता था कि लॉकर क्लोज है. कैन यू गेस द रीजन. तो इसका रीजन कैसा है कि ये जो लॉकर के ऊपर का जो इमेज है ना वो सेम है. देखो इसको हाफ टर्न लेंगे तो ये नीचे आ जाएगा, ठीक है, तो दिखेगा सेम ओपन और क्लोज लॉक दोनों में इमेज है ऊपर की वो सेम दिख रही है. तो इस वजह से बहुत बार वो कंफ्यूज हो जाता था किंग, उसको लगता था कि लॉक है लेकिन लॉक नहीं होता, वो ओपन होता था. तो देखो इसमें कैसा है कि देखो सपोज मैं यहां पे डॉट कर देता हूं, तो ये डॉट वाला जो पार्ट है ये ऊपर होगा तो ये ओपन होगा, और अगर हाफ टर्न लेंगे तो देखो ये नीचे आ जाएगा तो ये क्लोज हो जाएगा. तो बेसिकली पर्पस इसका ये कि ये जो पार्ट है लेकिन उसका कलर सेम है तो हाफ टर्न पे सेम होता था, कि बाहर से ऐसा ही लगता है कि लॉक होगा लेकिन लॉक नहीं हुआ होता. तो ऐसे डॉट पुट करने से हम इसका सॉल्यूशन ला सकते. तो देखो वही सॉल्यूशन पीछे दिया हुआ है. वन डे हिज क्लेवर डॉटर गेव हिम एन आइडिया विच ही लाइक्ड वेरी मच. तो किंग को उसकी डॉटर ने एक आइडिया दिया. नाउ ही नेवर गॉट कंफ्यूज. तो किंग कभी कंफ्यूज नहीं हुआ, उसने एक डॉट पुट कर दिया. कैन यू गेस व्हाट द आइडिया वॉज. तो आइडिया ये डॉट पुट करने का था, ओपन होगा तो डॉट ऊपर होगा और हाफ टर्न लेके तो ये क्लोज होगा तो डॉट नीचे होगा, फिर से हाफ टर्न लेंगे तो ओपन हो जाएगा. तो इस तरह से है. किंग्स डॉटर आस्क द किंग टू पुट अ डॉट ऑन वन ऑफ द येलो ब्लेड्स. तो येलो ब्लेड्स पे एक पे पुट करने को बोला. किंग हैड मैनी सच लॉकर्स विथ डिफरेंट हैंडल्स. तो किंग के पास ऐसे लॉकर्स है डिफरेंट डिफरेंट, 1, 2, 3, 4, चेक इट. ऑन गिविंग देम अ हाफ अ टर्न ही कैन गेट कन्फ्यूज विद दिस टू. तो इसमें भी वो कन्फ्यूज हो जाता है कि हाफ टर्न देते हैं तो वो सेम आ जाता है. तो उसको क्या करना होगा, डॉट पुट करना होगा सेम वे में. वॉट विल यू डू टू सॉल्व द प्रॉब्लम फॉर ईच ऑफ दिस. तो इसमें क्या करेंगे, पुट कर देंगे. तो देखो सपोज ये लॉक वाली कंडीशन है, ठीक है, तो उल्टा होगा हाफ टर्न पे, नीचे होगा तो ओपन होगा इस वे में. तो यहां पर एक डॉट पुट कर देते हैं, यहां पर भी पुट कर देते हैं, और जो लास्ट वाला है उसमें यहां पर पुट करते हैं, ठीक है, तो ये वाला यहां पे आएगा. तो इससे पता चल जाएगा कि जो लॉक है वो ओपन है या फिर लॉक्ड है, ठीक है. तो इस तरह से लॉकर का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया. सेम आफ्टर हाफ टर्न. इसको 1/2 यानी कि हाफ टर्न कहते हैं. ये कंप्लीट टर्न होता है पूरा घूम के आना, एंड आधा करे तो हाफ टर्न होता है. गैस विच ऑफ दिस शेप्स बिलो वुड लुक द सेम आफ्टर हाफ टर्न. तो ये शेप है वो हाफ टर्न के बाद किसे दिखेंगे, ठीक है.
तो हम क्या करेंगे, देखो मैंने सब शेप इसका प्रिंट लिया हुआ है और कट किया हुआ है, तो देखो ये फर्स्ट शेप है, ठीक है। तो ऐसा ही है, अब इसको हाफ टर्न लेते हैं, यानी कि पूरा हाफ, ये वाला पार्ट यहाँ पे आ जाएगा। तो देखो यहाँ पर ऐसा हाफ टर्न ले लिया, तो हाफ टर्न के बाद भी वो सेम ही दिख रहा है, तो ये सेम दिखेगा। नेक्स्ट है ये वाला रेक्टेंगल, ठीक है। अब इसको हाफ टर्न लेंगे, तो हाफ टर्न यानी कितना होगा, इतना होगा ऐसे। तो यहाँ ये वाला पार्ट यहाँ पे आएगा, तो उल्टा करते ऐसे घुमाए, तो देखो सेम आ रहा है, तो ये भी सेम आएगा। उसके बाद है सर्कल, तो सर्कल में तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, उसको तो हाफ टर्न थोड़ा टर्न कुछ भी दोगे तो उसका शेप वो सेम ही रहेगा। देखो इसको हाफ टर्न देते हैं, घुमाते हैं आधा, तो सेम रहा, कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें। नेक्स्ट है ये वाला शेप, ये भी रेक्टेंगल है, इसको हाफ टर्न देते हैं, ठीक है, ऐसा है। तो देखो ये हाफ टर्न दिया, ऊपर का पार्ट नीचे आ जाए, तो ये भी सेम ही रहेगा। उसके बाद है ट्राइंगल, उसका देख लेते हैं। तो ये देखो ये ट्राइंगल है, इसका सेम पुट किया, ठीक है। इसको हाफ टर्न देंगे तो ये ऊपर का पार्ट है नीचे आ जाए, तो देखो अब मैं हाफ टर्न दे रहा हूँ, तो ये हमने हाफ टर्न दिया, तो देखो एग्जैक्टली सेम नहीं आ रहा है, शेप सेम है लेकिन दिख नहीं रहा है, उल्टा दिख रहा है, ये एग्जैक्ट सेम नहीं आ रहा है, तो ये नहीं होगा, हाफ टर्न के बाद ऐसा हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है ये वाला शेप हेक्सागन, तो ये हमने ऐसे पुट कर दिया, इसका हाफ टर्न लेते हैं, तो देखो ये ऊपर का नीचे आ गया, नीचे होगा, तो सेम आ रहा है, तो ये आएगा। उसके बाद है लास्ट वन ये वाला पेंटागन, तो देखो ये मैंने ऐसे किया, सेम शेप है। अब इसका हाफ टर्न लेते हो, तो देखो ऊपर से ऊपर वाला पार्ट नीचे आ जाएगा, नीचे वाला ऊपर, देखो एक ऐसा है, इसको टर्न ले, तो देखो ऐसा हो रहा है, ये ऊपर की टॉप नीचे की ओर आ जाएगी, तो ऐसी होगी। तो ये दोनों एग्जैक्ट सेम नहीं हो रहा है, देखो ऐसे मैच नहीं हो रहा एग्जैक्ट, तो ये नहीं आएगा, ठीक है। इट वुड नॉट लुक सेम आफ्टर अ हाफ अ टर्न, ठीक है। तो ये दोनों शेप नहीं आ रहे सेम, बाकी सब सेम आ रहे हैं। डू यू फाइंड इट डिफिकल्ट टू टेल? इफ यस, देन देयर इज अ वे टू चेक योर गेस, हियर इज हाउ यू कैन डू इट। तो जैसे मैंने किया है कि शेप लेना है, उसको हाफ टर्न देना है, तो आपको इसका आइडिया आ जाए। टेक एनी ऑफ द शेप्स, ट्रेस इट्स आउटलाइन ऑन अ शीट ऑफ पेपर। तो पहले उसकी आउटलाइन शीट और पेपर में ले लेने की, उसके बाद शेप को पुट करके हाफ टर्न देना है। नाउ कीप द शेप ऑन इट्स आउटलाइन एंड गिव इट अ हाफ टर्न, जैसे कि मैंने आपको दिखाया वैसे। सी इफ द शेप फिट इट्स आउटलाइन, तो सेम आ रहा होगा तो वो सेम है, नहीं तो आउटलाइन फिट नहीं होगी तो वो डिफरेंट है। नेक्स्ट है प्रैक्टिस टाइम, क्वेश्चन वन, फाइंड आउट विच लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट लुक द सेम आफ्टर हाफ अ टर्न। तो देखो मैं एक ओ दे देता हूँ, ओ तो बहुत ही सिंपल है, ठीक है, तो वो सेम दिखता है हाफ अ टर्न पे। इसको हाफ टर्न लोगे तो भी वो सेम आ जाएगा, ऐसा ही आएगा वो, ठीक है। ऐसे हाफ टर्न लिया, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर, तो भी वो सेम आएगा। तो ऐसे बहुत सारे लेटर्स हो गए, जैसे कि एक है आई, तो इसको भी हाफ टर्न दोगे तो वो सेम आएगा। एच है, एच को भी हाफ टर्न दोगे तो भी वो सेम आएगा। जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस, एस है ना, एस को भी हाफ टर्न दोगे तो वो सेम आएगा, ठीक है। टी यू, यू नहीं आएगा, वी नहीं आएगा, डब्ल्यू एक्स वाई जेड, एक्स आएगा, एक्स को हाफ टर्न दोगे तो भी वो सेम आ जाएगा। फिर जेड, जेड को हाफ टर्न दोगे तो भी वो सेम आएगा। तो ये सब जो लेटर्स है, ठीक है, इसको हाफ टर्न दोगे तो वो सेम लेटर आएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन टू, विच ऑफ दिस इंग्लिश वर्ड्स रीड्स द सेम ऑन हाफ अ टर्न। तो इसको हाफ टर्न दोगे तो वो सेम रीड करेगा। तो हाफ टर्न करेंगे तो देखो कैसा होगा कि ये वाला लेटर यहाँ पे आ जाएगा, ये वाला यहाँ पर चला जाएगा, ऐसे होगा, समझे। ये जेड और ओ है वो लास्ट में चला जाएगा और ये वाला यहाँ पर आ जाएगा। तो देखो जेड डबल ओ एम है तो वो कैसा हो जाएगा, एम ओ ओ जेड।
तो ये उल्टा हो गया, ये जूम और मूज तो ये डिफरेंट है, तो ये सेम नहीं आ रहेगा, तो ये नहीं आएगा। नेक्स्ट MOW, इसको हाफ टर्न लेंगे तो देखो M को ऐसा उल्टा करेंगे, इसको टर्न लेंगे तो यहां पे आ जाएगा, W यहां पे आ जाएगा, तो ये M है ना, यहां पर W फॉर्म हो जाएगा, WOOZ, तो ये डिफरेंट है। अब ये M को उल्टा करेंगे तो W होगा, W को उल्टा होके आएगा तो M हो जाएगा, तो हो जाएगा MOW फिर से, तो ये सही है। तो ये जो वर्ड है MOW वो हाफ टर्न पे भी सेम रहेगा। उसके बाद है SWIMS, तो देखो M को उल्टा करेंगे तो वो W हो जाएगा, S को उल्टा करेंगे तो S ही रहेगा, तो ये वर्ड भी सेम आएगा। इसका टर्न लेंगे तो ये S यहाँ पे आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा, M है उल्टा होके आएगा तो W हो जाएगा, W उल्टा होके M हो जाएगा, I ऐसा ही रहेगा, तो ये वर्ड है वो भी सेम होगा, SWIMS। SIS, तो S को उल्टा करेंगे टर्न लेंगे तो भी वो सेम आएगा, तो ये वर्ड है ये भी सेम आएगा, SIS। NOON, O को उल्टा करके लिखे तो O ही रहेगा। अब N है, N को उल्टा करते हैं ठीक है, हाफ टर्न लेते हैं तो ये वाला यहाँ पे आएगा, ये वाला यहाँ पे जाए, तो वो सेम होता है, N को हाफ टर्न पे वो सेम रहता है। तो ये नून है ये भी सेम रीड करेगा, तो NOON ये भी सेम रीड करेगा, सिर्फ ZOOM है वही सेम नहीं आएगा, बाकी सब सेम आएगा। गिव हाफ अ टर्न टू द नंबर्स फ्रॉम 0 to 9, फाइंड विच ऑफ देम स्टिल लुक्स द सेम। तो हमें सब नंबर्स लेने होंगे 0 to 9, तो फर्स्ट है 0, तो 0 को हाफ टर्न लोगे तो ऐसा ही आएगा। नेक्स्ट है 1, 1 का हाफ टर्न लेंगे तो ऐसा कुछ हो जाएगा, तो ये सेम नहीं आ रहा है ठीक है, ये सेम आ रहा है। उसके बाद है 2, तो ये 2, 2 को हाफ टर्न लेंगे तो वो 2 ही आएगा। नेक्स्ट है 3, 3 का हाफ टर्न लेंगे तो वो ऐसा हो जाएगा, तो ये सेम नहीं आ रहा। उसके बाद है 4, तो 4 का हाफ टर्न लेंगे तो देखो ये वाला ऊपर जाएगा, कुछ ऐसा होगा, तो ये भी नहीं आएगा। 5, तो 5 का भी हाफ टर्न लोगे तो कुछ ऐसा हो जाएगा, तो ये भी नहीं आएगा। उसके बाद है 6, तो 6 का भी हाफ टर्न लोगे तो वो नहीं आएगा, क्योंकि ऐसा होगा। 7, तो 7 कुछ ऐसा हो जाएगा, तो 7 भी नहीं आएगा। 8, तो 8 का हाफ टर्न लोगे तो वो सेम आएगा, 8 ही आएगा। उसके बाद है 9, तो 9 का हाफ टर्न लोगे तो कुछ ऐसा होगा, तो ये 9 भी नहीं आएगा। तो 0 to 9 में से 8 आएगा, 2 आएगा और 0 आएगा, तो ये 3 ही नंबर है जो हाफ अ टर्न लेने पर सेम आएंगे। इसको आंसर आएगा 0, 2 एंड 8, इसका हाफ टर्न लेने पर सेम लुक करेंगे। क्वेश्चन 4, थिंक ऑफ ऑल 2, 3 एंड 4 डिजिट नंबर्स विच लुक द सेम ऑन हाफ अ टर्न। तो यहां पे कुछ नंबर्स दिए हुए, उसका हाफ टर्न लेने पर वो सेम दिखेंगे। एग्जाम्पल है 2 डिजिट नंबर्स, 1 1, ठीक है। 1 को हम इस तरह से भी लिखते हैं, लेकिन अगर 1 को सिर्फ ऐसे ही लिखे एक लाइन तो वो सेम होगा जैसे आई, तो हम 1 को भी कंसीडर कर सकते हैं अगर ऐसे लिखे तो। तो 1 1 है तो उसका हाफ टर्न लेंगे तो 1 यहां पे आएगा, ये वहां यहां पे आएगा, तो ये सेम आएगा। उसके बाद हम एक नंबर ले सकते हैं 2 डिजिट नंबर में, 0 0, तो 0 0 भी सेम आएगा। नेक्स्ट है 8 8, उसका हाफ टर्न लेंगे तो 8 यहां पे आएगा, यहां पे, तो ये भी सेम आएगा। नेक्स्ट है 3 डिजिट नंबर्स, 101, इसका हाफ टर्न लेने पे 101 आएगा। 111, इसका भी हाफ टर्न लेने पे सेम आएगा। एक और नंबर ले सकते हैं 818, तो इसका हाफ टर्न लेंगे तो भी सेम आएगा। उसके बाद लेंगे तो 212, तो ये भी आएगा। उसके बाद 121 लेंगे तो भी आएगा, ठीक है। ये फर्स्ट और लास्ट सेम आना चाहिए, तो ही वो ये 8 उल्टा होगा तो 8 आएगा इसे। नेक्स्ट हम दे तो 828, 282, नेक्स्ट 808, तो ये सब नंबर 2 डिजिट 3 डिजिट नंबर्स हो गए, जिसका हाफ टर्न पे वो सेम नंबर आया। नेक्स्ट है 4 डिजिट नंबर, 1001, 1111,
8118, ठीक, 2112, 1221, ऑल 8, ऑल 2, तो ये सब नंबर है जिसका हाफ टर्न लेने पे वो सेम नंबर ही आ जाएगा, फोर डिजिट नंबर। इसमें देखो फर्स्ट टू और लास्ट टू वो सेम होना चाहिए, सेकंड और थर्ड डिजिट सेम होना चाहिए, फर्स्ट और लास्ट डिजिट सेम होना चाहिए, क्योंकि जैसे ही हाफ टर्न लेंगे तो ये फर्स्ट है वो फोर्थ हो जाएगा, सेकंड है वो थर्ड हो जाएगा, थर्ड नंबर डिजिट टू सेकंड डिजिट हो जाएगा, फोर्थ डिजिट वन हो जाएगा। इसलिए जब थ्री डिजिट हो तो वन एंड थ्री सेम होना चाहिए, एंड फोर डिजिट नंबर हो तो वन एंड फोर एंड टू एंड थ्री सेम होने चाहिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन फाइव, विच अमंग द फॉलोइंग पिक्चर्स विल लुक द सेम ऑन हाफ अ टर्न। तो यहां पे कुछ पिक्चर्स है, ठीक, तो वो मैंने कट किए हुए, तो उसको हाफ टर्न देके हम चेक करेंगे कि वो सेम आ रहा है या नहीं, ठीक है। तो ये रहा इमेज, इसको कट किया हुआ, इसका हाफ टर्न लेंगे तो ये ऊपर वाला पोर्शन नीचे आ जाएगा एग्जैक्टली। तो देखो ये इसका हाफ टर्न लिया, तो देखो एग्जैक्टली सेम आ रहा है दोनों, तो इसको हाफ टर्न लेने पे यानी कि इतना टर्न लेंगे तो वो सेम आएगा इमेज, तो ये आएगा। नेक्स्ट है सेकंड वन, ठीक है, इसको हाफ टर्न लेंगे तो इसका जो फेस है, जो इन पर्सन है उसका फेस, तो वो नीचे आ जाएगा और जो लेग्स है वो ऊपर आ जाएगा। तो देखो यहां से फेस एग्जैक्टली नीचे आना चाहिए, तो देखो ये मैंने हाफ टर्न लिया इसका, तो देखो ठीक है, तो इसका जो बाहर का पोर्शन है ना वो सेम आ रहा है, लेकिन ये जो उसका अंदर का जो इमेज है वो चेंज हो जा रहा है, तो वो सेम नहीं दिख रहा है, ये देखो एकदम डिफरेंट दिख रहा है, तो ये नहीं आएगा। नेक्स्ट इमेज है ये वाला प्लस साइन, इसका हाफ टर्न लेते हैं, तो देखो ऊपर का पोर्शन नीचे आ जाएगा, तो देखो ये हाफ टर्न ले लिया, तो ये दोनों एग्जैक्टली सेम आ रहा है, तो ये सेम आ रहा है। इसके बाद है नेक्स्ट वन पी, ठीक है, अब पी को हाफ टर्न लेने पर नहीं आएगा सेम, ठीक, तो देखो हाफ टर्न लेते हैं तो देखो ऐसा उल्टा हो जा रहा है, तो ये दोनों सेम नहीं है, तो ये नहीं आएगा। नेक्स्ट है ये वाला इमेज, तो ये वाला लेते हैं, तो ये जो एरो का जो पॉइंटर नीचे है वो ऊपर चला जाएगा, ठीक है, ऐसा है, इसको हाफ टर्न ले रहे, तो एग्जैक्ट नीचे वाला एग्जैक्टली ऊपर आ जाए, तो देखो ठीक है, आउटसाइड का सर्कल सेम है लेकिन जो इनसाइड का है वो सेम नहीं है, एकदम डिफरेंट हो गया, एग्जैक्ट सेम नहीं आ रहा, तो ये नहीं आएगा। नेक्स्ट वन है ये फ्लावर का, ठीक है, तो ऊपर वाला एग्जैक्ट नीचे जाएगा, नीचे वाला एग्जैक्ट ऊपर, देखो इसका टर्न ले लिया हाफ, तो एग्जैक्टली सेम आ रहा है, तो ये आएगा। नेक्स्ट वन लेते हैं ये वाला, तो इसका हाफ टर्न लेंगे तो एग्जैक्टली ये पॉइंट है ये नीचे आ जाएगा और ये वाला ऊपर आ जाएगा, तो देखो हाफ टर्न लेते हैं तो ये हाफ टर्न ले लिया, तो एग्जैक्टली सेम आ रहा है, तो दोनों सेम है, तो ये करेक्ट है। और ये वाला, ठीक है, अब इसका हाफ टर्न लेंगे ना तो देखो ये ट्राइंगल जैसा है, ऐसा है, तो हाफ टर्न लेंगे ना तो ये एज नीचे आ जाएगा और ये जो लाइन है वो ऊपर चला जाएगा, कुछ इस तरह का है, तो इसका हाफ टर्न लेने पे ऐसा हो जाएगा, तो देखो हाफ टर्न लेते हैं इसका, तो देखो हाफ टर्न ले लिया, तो एग्जैक्टली सेम नहीं आ रहा है, ठीक है, सेम वे इस तरह से, तो इस इमेज को हाफ टर्न लेने पे सेम नहीं आएगा। तो हम देखते हैं कि इसमें से कितनी इमेज आई, एक दो तीन चार, तो ये फोर इमेज है उसके लिए सेम आ रहा है, और बाकी वन टू थ्री फोर, तो बाकी की फोर इमेज को हाफ टर्न लेने पे वो सेम नहीं आएगी।